यूपी की कुछ सीटों पर तनातनी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में मचा हड़कंप। कहीं प्रत्याशी बदलने से बवाल, तो कहीं पर उम्मीदवार के खिलाफ जनता का संग्राम। ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के अमरोहा से आई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का मुस्लिम समाज के लोग विरोध करते नजर आए। उनकी कार को घेर कर लोग हंगामा करते नजर आए। विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के उम्मीदवार दानिश अली अलविदा जुमा की नमाज में शामिल होने नौगावा सादात पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनका विरोध करने लगे। इस दौरान दानिश अली कार में बैठे रहे। वहां मौजूद विरोध करने वाले लोगों के मुताबिक कांग्रेस के दानिश अली का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि वो बीते 5 साल अपने लोकसभा क्षेत्र से गायब रहे। इसके साथ ही उन पर विकास ना करने के भी आरोप लगाए गए। हमारे सांसद जी ने पिछले पूरे 5 साल में सिर्फ 2 सोलर पोल लगवाए जो एक एक लाइट वाले पूरे निर्वस्ती के अंदर, जबकि 10 से 12 हजार वोट हम इन्होंने इन लोगों को दिए थे। हमने कोई वोट, इन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर इनको वोट दे क्यों हम भाई? हमने वोट दिया था अपना रहनुमा चुनने के लिए दानिश अली को। दानिश अली जी को संसद में दूसरे सांसद ने बीजेपी के कुछ कह दिया तो वो तो रो रहे थे खुद, तो ऐसे नेता को वोट देके क्या फायदा। यूपी में अमरोहा सीट कई मायनों में अहम है। कांग्रेस ने मौजूदा सांसद दानिश अली को मैदान में उतारा है तो बीजेपी की तरफ से कंवर सिंह तंवर मैदान में है, जबकि बीएसपी ने चौधरी मुजाहिद हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध हुआ तो बदायूं में प्रत्याशी को लेकर समाजवादी पार्टी पर मुश्किल आन पड़ी। अखिलेश यादव ने बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को दिया, लेकिन अखिलेश के फैसले से उलट चाचा शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य के लिए टिकट की मांग कर डाली। इस फैसले को उन्होंने अपनी रणनीति का हिस्सा बताया था। लेकिन यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति रहने दो, हम चुनाव लड़ेंगे भी लड़ाएंगे भी, इसकी चिंता मत। बदायूं संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में मतदान होना है और इस सीट से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है तो बीजेपी की तरफ से दुर्विजय सिंह शाक्य ताल ठोक रहे हैं। बदायूं में 7 मई को मतदान कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सिर्फ बदायूं ही नहीं बल्कि मुरादाबाद, रामपुर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में भी प्रत्याशियों को लेकर उनकी टेंशन कम नहीं हुई है। सारे दांव पेच आजमाने के बाद अखिलेश यादव को आखिरी मौके पर उम्मीदवार बदलने पड़े। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काटकर पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया। इससे पहले मुरादाबाद में भी ऐसा ड्रामा देखने को मिला, जहां मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर बिजनौर से आई रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया। कुछ ऐसी ही स्थिति गौतम बुद्ध नगर में दिखी, जहां 3 कोशिशों के बाद अखिलेश यादव ने राहुल अवाना की जगह महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार बनाया। कुछ ऐसा ही माहौल उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर दिखा, जहां अखिलेश यादव बनाम आजम खान हो गया, क्योंकि आजम खेमे के विरोध को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने मौलवी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नदवी अखिलेश यादव द्वारा मैदान में उतारे गए पैराशूट उम्मीदवार हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव के इस समर में विपक्षी पार्टियों को कई सीटों पर अपनों से ही मुकाबला करना पड़ सकता है।